हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए बहुत ही स्पेशल डिश जिसका नाम है साबूदाना चीला। साबूदाना चीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाने को 2 घंटे पहले इस तरीके से भिगो कर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं साबूदाने के जो दाने हैं वो बड़े हो गए हैं फूलकर। अब हमें इसे अच्छे से धोकर छान लेना है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम साबूदाने को ग्राइंड करेंगे। तो इसमें मैं सारे साबूदाने को डाल दे रही हूँ और अभी पानी ही डालेंगे। एक बार हम इसे बिना पानी का ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद सिर्फ 1 कप या आधा कप इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमें इसका गहरा बैटर तैयार करना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें आधा कप और पानी डाला था और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमें इसी तरीके से रखना है, इतना ही गाढ़ा रखना है, ज्यादा पतला इसे नहीं ग्राइंड करना है। अब हम इसे एक बड़े से मिक्सिंग बॉल में डाल लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के बॉयल किए हुए आलू, जिसे कि मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। आप ध्यान रखें कि आलू में गुठलियां नहीं होनी चाहिए, आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 पीस चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक का टुकड़ा और साथ में टेस्ट और फ्लेवर के लिए कुछ हरी धनिया की पत्ती। अब हम इसमें मसाले में कुछ ज्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। तो मैं इसमें सिर्फ ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही ये व्रत वाले सेंधा नमक 1 टीस्पून। अब इन सब को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हमें बैटर तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है और इसे एक बार मिला लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है तो इसमें आप 1/2 कप पानी और डाल दें। उसके बाद हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, बिल्कुल आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की, ना बहुत ही ज्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा डो की तरह इसे गाढ़ा रखना है, मतलब मीडियम इसका मिक्सचर बना के आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है और साथ ही यहाँ पे गैस पे मैंने नॉन स्टिक पैन को चढ़ा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो चीले को घी में भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर रिफाइंड ऑयल में भी बनाएं जो आप व्रत में खाते हो। और इस तरीके से अब लैडल की सहायता से इस पे मिक्सचर को रखेंगे और हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे जैसे आप चीला बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से। और हमें अब इससे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से एक साइड से लगने देना है। अगर आप तुरंत चीले को टर्न करोगे तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप एक तरफ से इसे अच्छी तरीके से पहले सिकने दें। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और एक तरफ से अच्छे से इसे गोल्डन सिकने देंगे। ये देखिए, ये हमारा एक तरफ से अच्छी तरीके से सिक रहा है, तो चारों तरफ का जो कॉर्नर है ये अपने आप ही देखिए इस तरीके से छोड़ने लगेगा। 2 से 3 मिनट हो गए, चलिए इसे टर्न करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसे टर्न कर दिया है, देखिए कितनी आसानी तरीके से निकल गया ये और साथ में कलर भी काफी अच्छा आया है। अब हमें बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन कलर होने तक सिकना है। आप इस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं या फिर अगर आप कम तेल घी में खाना पसंद करते हैं तो आप बिना तेल घी का भी इसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नॉन स्टिक बर्तन का ही यूज करना होगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चलिए चेक करते हैं दूसरी तरफ भी। ये देखिए, दूसरी तरफ भी चीला का कलर कितना अच्छा आया, कितना अच्छा गोल्डन कलर का हुआ है और ये काफी क्रिस्पी भी है। तो यहाँ पे हमारा एक साबूदाना चीला बनके तैयार है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बारी बारी से हम दूसरा चीला भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने दूसरे चीले को भी पैन में डाल दिया है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रख देंगे। जब तक हमारा ये चीला बन के तैयार होता है तब तक हम दूसरी तरफ इसके साथ खाए जाने वाली बादाम की चटनी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने रोस्टेड बादाम लिया है। आप बादाम को बिना तेल घी का कढ़ाई में या फिर तवे पे इस तरीके से रोस्ट कर ले और उसका छिलका उतार ले। अब हमें इसे ग्राइंड करना है, तो मैं इसे मिक्सर जार में डालकर बिना पानी डाले हुए पहले एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बिना पानी डाले हुए मैंने इसे एक बार ग्राइंड किया है, ये भी दरदरा है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसका एक पतला पेस्ट तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें 1/2 कप से ऊपर थोड़ा सा ऊपर पानी डाला है। अब स्पून की सहायता से इसे अच्छे से एक बार चला देंगे और फिर से दोबारा इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, दोबारा ग्राइंड करने के बाद हमारे चटनी की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल अच्छी पतली हो गई है। आपको बिल्कुल इतनी ही कंसिस्टेंसी में आपको बादाम को पीसना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हम दूसरी तरफ चटनी के लिए तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन को गैस पे चढ़ा दिया है।
इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो चटनी को भी घी में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। अब रिफाइंड ऑयल को हम गर्म होने देंगे। यहाँ पे हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे सरसों। अगर आप सरसों नहीं खाते हैं तो सरसों की जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं और इसे गैस ऑफ करके ही हम चटकने देंगे। मैंने इधर बादाम को बॉल में निकाल लिया है। इसमें मैं डालूंगी चॉप की हुई हरी मिर्ची, ये मैंने एक पीस लिया है, कुछ धनिया का पत्ता, साथ ही इसमें डालेंगे हम सेंधा नमक और नींबू। अगर आप व्रत में नींबू नहीं खाते हैं तो आप नींबू को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम ये जो हमारा सरसों का तड़का है वो डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए यहाँ पे चटनी बनके रेडी है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा चीला भी बनके रेडी हो गया है। इस नवरात्रि एक बार इसे जरूर बनाकर ट्राई करें और अपने व्रत में इसे खाएं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।